संविधान के नारियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए अनूठा कदम उठाया है। उन्होंने दिल्ली राजहरा से लेकर दिल्ली तक साइकिल से सफर पर निकले और इस सफर के दौरान आने वाले गांव और शहरों के लोगों के नारियों के सम्मान और सुरक्षा को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि आज देश में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और दिनों दिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सफर पर निकलने से पहले एसडीएम से अनुमति ली, वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर शुभकामनाएं दी। बालोद में मजदूरी करने वाला तुलसी साहू देश की नारियों की सुरक्षा के लिए दिल्ली राजहरा से दिल्ली की यात्रा के लिए निकल चुका है। लगभग 1000 किलोमीटर का यह सफर सिर्फ एक साइकिल से थोड़ा कठिन है, लेकिन धुन के पक्के तुलसी इसे नारी उत्पीड़न से आसान मानते हैं और उनका कहना है कि उनके मकसद के सामने ये कठिनाई कुछ भी नहीं है। नारी सुरक्षा के लिए निकली ये यात्रा अब चाहे आंधी आए या तूफान, सीधे दिल्ली के लाल किले में ही रुकेगी। आज देश के अलग अलग इलाकों से रोज नारी उत्पीड़न के कई मामले सामने आते हैं। कई समाजसेवी संगठन इसके लिए कई मांगे करते हैं, पर तुलसी साहू का हौसला दिल्ली तक जाकर आवाज उठाने का है। दिल्ली हिंदुस्तान नारी सुरक्षा ये संदेश लेके जा रहा हूँ लाल किले तक, और अभी इस वक्त मैं दिल्ली राजहरा से बालोद के लिए रवाना हो गया हूँ। नारी मन के लिए सुरक्षा के लिए मैं इस सब चीज आगे कर रहा हूँ, सफर के लिए तैयार होकर निकल चुका हूँ। नारी के प्रति डर हो गया है ना, आज घर से बाहर निकल पा रहा है ना, कुछ मार्केट भी जा पा रहा है ना, कुछ हो रहा है, इसके लिए सुरक्षा होना जरूरी है। खबर देने